वीक हो गया, इसका दूसरा मतलब है कि ये एसिड कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वीक बेस। तो हम ये समझ सकते हैं कॉन्जुगेट, हमने बेसिकली फंडामेंटल काम क्या किया, दोनों ही एसिड्स लिए, H प्लस आयन निकाला। पर ध्यान रहेगा कि अगर हम H प्लस आयन निकाल रहे हैं तो उन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ठीक ठीक होना चाहिए, मींस अच्छा खासा होना चाहिए। तो बनने वाली स्पीशीज कॉन्जुगेट बेस, कंपेयर द कॉन्जुगेट बेस, हाउ टू डिस्पर्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द गिवन सरफेस एरिया ऑफ एटम, सो वी कैन कंक्लूड की वेदर विच वन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। सो दिस इज